अरे हवा चली अरे हवा चली आधी आई फिर हो गए हो बंटा डाल दे मेरे पिया इलेक्शन हार गए। आदरणीय सांड बनारसी जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहन जी कहाँ चलती हैं आप? सचमुच में कविता है उल्लू आई गई जिसको भी याद करो वो आ जाता है। चलिए बहुत बहुत सम्मान आपको स्वागत है कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और गद्दियां क्या है ये कपड़ों के चंद टुकड़े हैं अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा ले मस्त रहकर के मस्ती के साथ जिंदगी को जो जीते हैं। मेरे पास कोई कविता नहीं है मैं आपको जिंदगी को जीने के कुछ पॉजिटिव बातें बताता हूँ। पॉजिटिव बात यह है कि वो जो लोग मस्ती के साथ जिंदगी को जीते हैं हर परिस्थिति को पॉजिटिव मानते हैं वे खुश रहते हैं। और कैसे लोगों के लिए बता रहा हूं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। जो लोग मस्त रहते हैं वो मस्त रहते हैं। टेंशन फ्री जिंदगी हंसने की बात ऐसी है कि आज कविता सुनाने पे हंसना खत्म हो गया। उल्टी सीधी बात करो तो बड़ा आनंद आता है और लोगों को यही चाहता है लोग यही चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें कुत्ते की बिल्ली की उल्लू की गधे की इन बातों को बड़ी हंसी आती है। मैं आपको उल्लू की बात बताना चाहूंगा। उल्लू जो है वो रात को जगता है और दिन में सोता है। हम कभी लोग भी वास्तव में उल्लू ही दिन में सोते रहते हैं और रात को जगते हैं। ये सचमुच एक अच्छा आज का ये उत्सव आपने आयोजित किया है और सभी लोग जो बातों में मशगूल हैं तो कृपया कविताएं सुने आनंद का आनंद रहे। आज आनंद हो रहा है देखिए जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए और दो घड़ी चुप से जुड़ा लो मुस्कराने के लिए और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के। यहाँ से सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे दड़बों में घुस जाएंगे और दाल ला दलिया ला लहंगा ला फरिया ला जेला बोला भाड़ में जा जिंदगी क्या है। मैं आपको वो कविता सुना रहा हूँ जो भैया आपको कह रहे हैं बंदा देखिए एक और पीछे से कह रहे हैं कि हम दिल्ली में लोग रहते दिल्ली के लोग बड़े चालाक बनारस के लोग तो सीधे बनारस में एक मामले में बदनामे है जाम बहुत लगता है। अभी रास्ते में आ रहा था तो पता नहीं इतना जाम था कि आज पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे वहां पर तो मैंने चार पंक्तियां लिखी बनारस जाम नगरी है बहुत बदनाम है प्यारे
बनारस जाम नगरी है, बहुत बदनाम है प्यारे, नाना भूल कर इस ओर घर कुछ काम है प्यारे, और फंसेगा इस कदर आगे न पीछे लौट पाएगा, फंसेगा इस कदर आगे न पीछे लौट पाएगा, उधर भी जाम है प्यारे, इधर भी जाम है प्यारे, उधर भी जाम है प्यारे। ये बहुत अच्छी नगरी है, बहुत प्राचीन नगरी है हमारी, और बहुत प्रिय लगी। मैं तो आज 40 वर्ष बाद आनंद सच बताऊं, गुमदार भैया ने बुला लिया, मैं सन 80 में आया था और 80 के बाद अब आया, बहुत कुछ बदल गया है। अब मैं आपको वो चीज सुनाने जा रहा हूं जो आनंद की है, कि दिल्ली के लोग के बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम चार कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। क्या मकान में रहते मेरे ससुर, 11 महीने के एग्रीमेंट होता था, ससुराल दूसरे मोहल्ले चली जाती, घबराना नहीं, टेंशन मत लो, बुड्ढा आदमी। अब देखिए, आपके इलाके में मोदी जी आए इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने जिता दिया, कितने दूर से आए और जिता दिया, जो यहाँ थे उन्हें हरा दिया। भाई देखिए, बहुत सी मेहनत के बाद टिकट मिलती है एक उम्मीदवार को, और उसके बाद वो हार जाता है तो उसको सब लोग छोड़ देते हैं, जो जीत गया उसके पीछे लग जाते हैं, उसको रोड शो में शामिल हो जाते हैं, और जो हार जाता है उसके घर कोई नहीं जाता, उसके यार दोस्त भी नहीं जाते, और उसकी पत्नी और उसको इंजेक्शन देती है, मर जाओ इसी पार्टी में, छोड़ ना, मर जब तक जान ना निकल जाए। बेचारा घर में भी पीड़ित, घर में भी मार खाता है और बाहर भी मार खाता है, घर मकान खेती सब बिक जाती है, अब उनके घर हम लोग जाते हैं। अब बिल्कुल उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के अंदाज में मैं बताना चाहता हूँ कि एक पत्नी ने अपने पति के बारे में बताया, मैं उनके घर गया, मैंने बहन जी क्या बात है आपके घर में सन्नाटा क्यों है, तो बोली भैया हम तो बर्बाद हो गए, बल्कि क्या हो गया, तो बोले भैया जब मोदी और योगी की हवा फिर चल रही, मैंने कि तुम्हारी हवा का क्या हुआ बहन जी, तो बोले भैया हमारी तो निकल गई, मैंने कि हुआ क्या था, तो वो बोली अरे हवा चली अरे हवा चली, आधी आई फिर हो गए हो बंटा डाल दे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए अरे भैया आप बहन जी तुमने समझाई थी ये पार्टी छोड़ दो दूसरी में आ जाओ, टोली अरे बहु तेरे समझाए मैंने अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिलिया और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तू एक टिकट ले आओ अरे नहीं माने मेरी क्या सुनते अरे नहीं माने सीना ताने पहुंचे राहुल के धार ले मेरे पिया रो ताली मत बजाओ ताली मत बजाओ आगे भैया वो आपको मजा आ रहा है मेरे तो आगे भैया मैं गोरखपुर गया बैठा एक दिन, माँ भी रो रही थी चबूतरे बैठ के, बहन मेरी कहीं बहन क्या है, वो ही बाल हमारे यहाँ भी होगा,
क्या हुआ आगे भैया? मैंने कहा आपने नहीं समझाए टोली। अरे बहुत तेरे समझाए योगी बाबा से मिलिया। और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ पिया, तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने या, अरे नहीं माने जूते काने पहुंचे माया के द्वार ने फिर पिया ले। अरे मैं अमृतसर गया, अमृतसर गया, वहां पे एक गोरी थी पंजाबी में मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ? टोली 80 हार गई। मैंने कहा 80 हार गई? हमारे यहाँ तो एक ही हार है, तुम्हारे यहाँ 80 कैसे हार गए? टोली 80 माने हम। अरे मुझे याद आया, मैं वृंदावन जा रहा था एक दिन, आए कुएं में से आवाज आ रही थी, अरे बचावा बचावा। अरे मैंने कहा कौन है कुएं में? तो अंदर से आवाज आई 80 है। मैंने कहा 80 है भाई, एक होता तो मैं निकाल लेता, 80 नहीं निकाल। अब वो जो रो रही थी वो पंजाबी में रो रही, उसका हिंदी में मतलब यही था, वो केजरीवाल ने सर बीजेपी और कांग्रेस भागे सपा पपा साहब साफ कर दिए। अरे बहू तेरे समझाए केजरी लाला से मिलिया। और खास खास के खुल खुल कर मफलर में घुस जाओ पिया, तुम एक टिकट। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने छितर खाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। अरे अरे पिया थोड़ी सी और पिया। भैया राम राम, भैया जय महादेव।